अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना है। यहाँ उस्मान नगर में 5 महीने से घर डूबा हुआ है हमारा। हम कुछ भी सामान नहीं निकाले। 5 बच्चियाँ हैं मेरे को। रात रात हम 5 बच्चियों को लेके चले गए। मैं पानी आ गया तो कुछ भी नहीं निकाले। पूरा सामान खराब हो गया। सो है हमारे शोहर ऑटो चलाते। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना। बोल गए 10,000 तो मिले गवर्नमेंट से। 5 महीने से हम किराए से हैं। किराए वाले भी 10,000 एडवांस दियो भर रहे हो। 10,000 कुछ भी नहीं हुए। अब ये फर्नीचर ख़राब हो गया। कपड़े की सीने की मशीन ली थी मैं, 4 महीने छो गया। नई मशीन लेके 6,500 में ली थी। वो मशीन भी पूरा पानी में डूब गई। वॉशिंग मशीन पानी में चले गई। अब कपड़े हाथों पर धो रही हूँ मैं। पूरा सामान पानी में चले गया। पूरा फर्नीचर चले गया। अलमारी, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, वॉशिंग मशीन, कपड़े सीने की मशीन, हमारी टीवी, हर चीज़ चले गई। कुछ भी सामान नहीं बचा हमारा। पूरा सामान खराब हो गया। अब तो कुछ देते बोले वो कुछ भी नहीं मिला। 10,000 तो मिले, वो तो 4 महीने से हम किराए से है उसमें चले गए। राशन पानी भी पूरा पानी में चले गए। आप लोग देख रहे ना कैसा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा। 5 बेटियाँ हैं, स्कूल जाने वाले बच्चियाँ मेरे। 5 महीने से मेरे बच्चों का स्कूल चले गया। घर में बैठे थे मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम पाशा है। मैं यहाँ उस्मान नगर में रहता हूँ। ये 13 अक्टूबर को पानी आए सो है। रात के 3 बजे में ये 5 बच्चियाँ और मेरे घर वाले है। और ये मेरा घर ये है, कलमा लिखे सो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। और मेरे वालदा भी थे यहाँ पर। रात के 2 बजे निकल गया मैं यहाँ से। पानी जैसा आते कि बच्चों को ले ले गए, वालदा को ले गए, निकल गया। तो मैं यहाँ पर एक किराए से कमरे में हूँ। और मेरे घर की हालत ऐसी है कि कुछ कुछ नहीं बचा मेरे घर में। अब मैं ऑटो चलाता हूँ मैं भी। अब ये कोशिश कर रहा हूँ इधर उधर कहीं भी ऑटो ले ले रहा हूँ, चला ले रहा हूँ। और अलहमदिल्ला गवर्नमेंट से जो 10,000 रुपये की हमारे को मदद मिली, 10,000 रुपये मिले, मगर वो 10,000 रुपये 4 महीने 5 महीने करीब करीब होने आ रहे। वो 10,000 रुपये कुछ अहमियत नहीं है, मगर फिर भी हमारे को हैदराबाद के जो लोग हैं, जो मोमिन लोग अपने हैं भाया, इमदाद के वास्ते बहुत मदद करें हमारे को। नहीं बोल के नहीं, ये राशन से लेके और पलंग गद्दा भी हुई मदद हुई हमको। मगर अभी आलम ऐसा है, ये घर को देखे तो रोने का आलम जैसा है। मेरा घर जाती घर है आपका? जाती नहीं है, मेरे भाई का, फुपरे भाई का घर है। मैं यहाँ पर, मेरे भाई मेरे को रखे से यहाँ पर। अब ये आलम है। अब हम लोग ऐसा अगर जाती भी रहा तो भी ये आलम है, अगर किराए का रहा तो भी ये आलम है। अब सोचो अब क्या करना। ये भी 4-5 दिन से मट्ठी आ रही है अब यहाँ पर घर के पास जला रहे है। जैसा हमारे मजहर भाई है और ये हमारे फेरोज भाई बोल के चेयरमैन साहब है, हम अब्दुल्ला सादी साहब भी आके यहाँ पर जायजा लेके गए। और हमारे मजहर भाई काउंसलर भी है, आके जायजा लिए, घर देखे मेरा। और हमारे क्या नाम फेरोज भाई बोल के प्राइवेट है मस्जिद के हिसाब से, उन्हें भी मट्ठी जलाए सो यहाँ पर। अब ये मेरे को 5 बेटियाँ हैं। देखो ये कुछ भी हो सका आप मदद करिए हमारी। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मदद बोलो तो जो भी आपसे जो भी हो सका मदद करिए हमारी। बच्चे मेरे अरबी को भी जाते, स्कूल को भी जाते। अभी ये कोने के तरफ से क्या है, मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहा हूँ। एक बड़ी बच्ची जा रही है स्कूल भी है। बच्चे पूरा पढ़ने वाले हैं। ये जो है ये यहाँ 1, 2, 3, 4 ये चारों भी स्कूल को जाते। KGN स्कूल में पढ़ते मेरे बच्चे। देखिए आप लोगों से कुछ भी गुजारिश है कि ये आप हमारी मदद करिए जो भी है हो सका आपसे। पूरे कपड़े खराब हो गए बच्चों के, घर वालों के। हाथ देखो आपके।